खरगोन जिले में सिगलीगर समाज अवैध हथियार बनाने में देश विदेश में प्रसिद्ध है। इसी को लेकर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा एक कदम उठाया गया। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पांडे द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने समाज के उत्थान के लिए अपने विचार व्यक्त किए और समाज में अपील की है कि अवैध हथियारों का निर्माण बंद करें। इस दौरान समाज के लोगों ने बताया कि हम भी इस धंधे से निजात पाना चाहते हैं, इसीलिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सिकलीगर समाज को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनके नई पीढ़ी को शिक्षा से जोड़ने पर जोर दिया। साथ ही सिकलीगर समाज के शिक्षित युवाओं को पुलिस एवं सेना में भेजने के लिए ट्रेनिंग की बात कही। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई है सिकलीगर सिख समाज की। हमारी जो समाज पहले कुछ लोग करते थे अवैध शस्त्र बनाने का काम, तो लगभग 70-80% छोड़ चुके हैं और 20% लोग हैं जो इस धंधे से लिप्त हैं, मजबूरियों में कुछ कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश रहेगी कि जो हमारे सिकलीगर सिख बंदे हैं जो 20% लोग करें, इसको पूरी तरह से छोड़ें और हम भी अच्छी ज़िंदगी जिए। क्योंकि जो ये शस्त्र बनाने का हमारा धंधा था, हमारे गुरुओं के जमानों से चला आया था। उस समय में इस धंधे पे कोई पाबंदी नहीं थी, कोई रोक नहीं थी, और जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भी क्रांतिकारियों को सिकलीगर सिख समाज ने ही शस्त्र बना के दिए, और उस शस्त्र से अब कुछ गलत होने लगा है। तो हम भी ये चाहते हैं कि इस धंधे से छोड़ के अच्छी ज़िंदगी जिए, हमारे बच्चे अच्छी ज़िंदगी जिए, शासकीय नौकरी लें, पढ़े लिखें। और जो एसपी साहब ने यहाँ मीटिंग रखी उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत अच्छी पहल उन्होंने की कि सिकलीगर सिख भाइयों को रोजगार से जोड़ें या मुख्य धारा से जोड़ें। हम भी यही चाहते हैं कि मुख्य धारा से जुड़ें। मेरा नाम गोपाल सिंह, प्रधान हूँ, अध्यक्ष गुरु सिंह सभा भगवानपुरा। देखिए, ये हमने ये इनसे बात की है कि जो लड़के मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है फौज और पुलिस में भर्ती होने की, वहाँ तक का एजुकेशन कर लिए हैं, उनको हम गाइड करेंगे, उनको किस तरह से फौज में पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, उसमें उनकी क्या मदद की जा सकती है वो हम करेंगे, फिजिकल और जो और दूसरे पढ़ाई के साधन है उसके माध्यम से, जिससे ये लोग अगर फौज में या पुलिस में जाएंगे तो देश के लिए अच्छा काम करेंगे और ये क्राइम के दलदल से बाहर निकल सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।